हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सपना सिंह और आप फ्रेंड्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को, ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको सुंदर सुंदर अपने मनी प्लांट के पौधे दिखा दिए और इनकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी चल रही है। तो चलिए, मुझे आज मेरा मन चाहा प्लांट्स मिल गया, तो चलिए उसी की वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, आज जब मैं मार्केट गई थी तो हमारे यहाँ जो रोड साइड नर्सरी है वहाँ पे मुझे आज तीनों, मेरा जो मतलब मेरे लिस्ट में था, मेरा फेवरेट था, मुझे लेना था, पर मैं किसी भी कारणवश नहीं ले पा रही थी, और आज सडनली मुझे ये तीनों के तीनों प्लांट मिल गए। जब मैं नर्सरी जाती थी और वहाँ पे जब प्लांट के लिए ले रही थी, तो काफ़ी महंगे महंगे प्लांट तो ले लेती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है ना कि नहीं, कुछ ज़्यादा महंगा है, नहीं लेना है, तो मैं छोड़ देती थी। तो ये देखिए जो टेबल कामिनी है ना, ये देखो, तो नर्सरी में ना इसका कॉस्ट मुझे 120-100 इस टाइप से इसके कॉस्ट रहते थे। तो सोचती थी लूँ ना लूँ, दूसरे प्लांट लेके आ जाती थी। और इस बार देखिए फ्रेंड्स, मैं गई रोड साइड नर्सरी, तो देखिए उन्होंने मुझे ये मात्र 60 रुपीज़ में मेरा मोस्ट फेवरेट जो है फूल मुझे मिल गया। तो काफ़ी हैप्पी, काफ़ी खुश हो गई मैं। तो फ्रेंड्स, इसमें गर्मियों में भर भर के फूल आते हैं, बहुत ही प्यारा ये है। तो गर्मियों में आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर से ज़रूर ऐड करें, ज़रूर लगाएं, इसकी भीनी भीनी खुशबू आपके पूरे गार्डन को महका देगी। तो आप फ्रेंड्स इसको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ इसको अपने घर ला के। और फिर सेकेंड जो था फ्रेंड्स, ये है एक्जोरा का, आप देख सकते हो, जिसे अमरुख मनी भी कहते हैं। तो ये देखिए, और इसमें अभी एकदम बिल्कुल आपको अक्टूबर तक फूल आएंगे, भर भर के फूल आएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका मैं एक कलेक्शन तैयार करना चाह रही हूँ, करीब 8-9 कलर में आते हैं, या उनसे भी ज़्यादा आते होंगे, लेकिन 8-9 कलर तो मैंने देखे हैं। तो मैं इसका भी एक कलेक्शन तैयार करना के लिए सोच रही थी। तो नर्सरी जाती थी तो वही 60-70-80 आते थे, तो मैं इसके 2-3 कलर मैंने ऐड कर लिया है। वाइट मुझे सडनली मिल गया, आप देखो वाइट कलर का है मेरे पास, पिंक, रेड और एक बेबी पिंक है, तो सडनली मुझे मिल गया वाइट कलर, और ये भी मुझे वही 60 रुपीज़ में मिला। तो मैं भी बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि नर्सरी में मुझे काफ़ी ये महंगे मिल रहे थे। और गर्मियों में भी आप इसको फ्रेंड्स ज़रूर ऐड कीजिए, परमानेंट प्लांट है। और ये आप अगर जैसे घर में इन करते हो ना और सामने रखते हो ना, तो इसको लकी प्लांट भी कहा जाता है, वास्तु के हिसाब से भी ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। तो इसको अपने गार्डन में ज़रूर से ज़रूर आप ऐड कीजिए। और चलिए फ्रेंड, थर्ड है ये अलामांडा का। तो अलामांडा का मेरे पास पिंक कलर है, देखिए इसमें कली भी आई हुई है, देखिए। तो अलामांडा का मेरे पास ये पिंक कलर है और मेरे पास इसका येलो कलर है, तो मुझे भी इसके मुझे भी इसको ऐड करना था। इसके जो भी कलर आते हैं 4-5 कलर, सभी येलो कलर कॉमन है, तो मेरे पास था ही। तो वही नर्सरी में इसके 150 रुपये मुझे बताए गए थे और यहाँ पर मुझे ये मात्र 50 रुपीज़ में मिला। तो कभी कभी जो रोड साइड नर्सरी होते हैं ना, वहाँ पे आपको प्लांट, और काफ़ी हेल्दी भी है, देखिए आप, ये नहीं है कि रोड साइड ले रहे हैं तो हेल्दी नहीं है। तो कभी कभी हमें ना रोड साइड भी जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए, और वहाँ पर अच्छे अच्छे प्लांट हमें मिल जाते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ फ्रेंड्स कि मुझे इतना अच्छा मनचाहा मुझे आज मिल गया फूल। तो चलिए इसको अब लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, अब भी मैं इसको कल लेकर आई हूँ, आज दूसरा दिन है, 3 दिन इसको मुझे रखना है, और 3 दिन जहाँ मेरे प्लांट वगैरह है ना, सब देख रहे हो ना, तो मैं इनके पास ही रख दूंगी, और उसके 3 दिन के बाद मैं इसको लगाऊंगी। तो जब मैं आपको लगाऊंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जब इसको लगाएंगे तो उसके साथ आपके साथ जरूर से ज़रूर मैं शेयर करूंगी।